हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ नुमाय शॉपिंग हॉल वीडियो। तो मैं हम लोग क्या क्या शॉपिंग करें एक एक करके दिखाती हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। पूरी डिटेल प्राइस के साथ मैं वीडियो बताऊँगी इंशाल्लाह। फर्स्ट है ये वुडन टिश्यू बॉक्स, जो ये वुड कार्विंग के सामान की स्टॉल थी वहाँ से लिए हम लोग। तो ये नॉर्मल एवरेज जो टिश्यू बॉक्स का साइज़ रहता है, रेगुलर साइज़, वो साइज़ का बॉक्स है। इसमें बहुत सारे साइज़ हैं, छोटा साइज़ है और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो इसका प्राइस वो लोग 700 बता रहे थे स्टार्टिंग में, अभी भी लास्ट वो 600 बोले। उसको बार्गेन करके 400 में लिए हम लोग। मेटल का क्लिप है उसके साथ में, और ये है एक छोटी सी हैंडल के साथ बास्केट। तो ये मैं कुछ पर्पज़ से ली, क्या पर्पज़ से ली आप लोग वो आगे वीडियोस में देखेंगे जो आने वाले वीडियोस है। तो छोटा सा साइज़ है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ये हाथ के साइज़ की है। तो ये 50 रुपीज़ की मिली। मन्ना ऑल्सो चेकिंग ऑल द स्टफ़ विथ मी। वही स्टॉल से ये और एक छोटी सी बॉक्स लिए हम लोग। ये ज्वेलरी रखने के लिए ली मैं, फिंगर रिंग्स रखने, कुछ भी रख सकते आप लोग। छोटा सा साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट दिखी मेरे को ये। तो ये इसका प्राइस 200 बोले, मैं सीधा डायरेक्ट 100 बोली और वो 100 में दे भी दिए। इसके साथ एक क्लिप भी है, तो स्टोर करने के लिए थोड़ा सेफ़ भी है ये, मतलब खुलने का बार बार डर नहीं है। अगर आप ट्रैवल भी करें तो ये कैरी कर सकते ज्वेलरी रख के, इसमें सेफ रहती, बेंड होने का डर नहीं रहता। नेक्स्ट है ये बास्केट, वुडन बास्केट। इसमें फ्रूट्स रख सकते या कुछ स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, किचन में या कबर्ड में। ये भी मैं कुछ डेकोरेटिंग पर्पज़ से लिए, आप लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। ये मिली हम लोग को 80 रुपीज़ की। नेक्स्ट है ये ग्लास का छोटा सा जार, जिसका एयर टाइट लिड है। तो ये मिला 50 रुपीज़ का। तो इसमें आप एतर या पता नहीं इसमें कुछ भी लिक्विड तो डाल के रख सकते हैं, लेकिन इसका लिड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो हम लोग तो इसको सिर्फ ऐसे शोपीस की तरह यूज़ करने लिए, जो मिला 50 रुपीज़ का। क्वालिटी अच्छी है इसकी, लेकिन लिड बहुत ज़्यादा टाइट है इसका। फिर वहीं से ये बॉल्स लिए 3। ऐसी सेम ट्रे है ऑलरेडी हम लोग के पास एक, तो उसके साथ ये सॉस वगैरह कुछ सर्व करने लिए। तो ये 200 के 6 थे, लेकिन 6 नहीं चाहिए थे हम लोग को, तो वो बोले कि लास्ट 100 के 3 दे सकते हैं आप लोग को। तो हम लोग को 3 लेना पड़ा, ये 100 के 3 मिले। ये सिर्फ 2 लेने वाले थे, लेकिन 2 नहीं आते बोले तो 3 लिए। तो मैं जो ये बॉल्स दिखाई आपको अभी, जो पहले ट्रांसपेरेंट और ये जो क्रीम कलर के देख रहे हैं, ये हम लोग लिए जिंदा तिलिस्मात की स्टॉल के सामने, एक क्रॉकरी स्टॉल थी वहाँ से लिए। तो ये बॉल्स हम लोग को मिले 250 के 6 बोले वो लोग। तो हम लोग 200 बोले तो आराम से 200 में अग्री हो गए, तो ये लिए। तो स्पेशली ये हम लोग लिए रमज़ान के लिए। ऑलरेडी बॉल्स थे रमज़ान में जो हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे, उसमें दही बड़े खाने प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए थे थोड़े बड़े साइज़ में लिए हम लोग। साइज़ भी अच्छा है इसका। देन नेक्स्ट आर दीज फाइबर प्लेट्स। तो ये 3 प्लेट्स लिए हम लोग फाइबर के, जिस पे गोल्डन प्रिंट है। तो ये केजी के हिसाब से मिल रहे थे, 500 रुपीज़ केजी थे। तो ये 3 प्लेट्स का 3 केजी हुआ, तो एक प्लेट पर पीस 100 में पड़ी। थोड़ा एक्सपेंसिव दिखा हम लोग को, लेकिन ओके। एंड मन्ना ऑल्सो व्लॉगिंग विथ मी, शी इज़ ऑल्सो मेकिंग अ हॉल वीडियो। मन्ना व्हाट आर यू डूइंग? नेक्स्ट है ये सोफ़ा कवर, जो कॉटन मटेरियल का है। तो ये रेगुलर यूज़ के लिए लिए, कोई ओकेशनल यूज़ का नहीं है, ये एवरेज क्वालिटी है। तो ये हम लोग लिए, आप लोग अजंता गेट से जैसे ही एंटर होते हैं, अपोजिट में वो अंकित स्टूडियो के नाम से एक फर्निशिंग की शॉप है, तो वहाँ पर बाहर ये लोग इसका स्टॉल लगा के बेच रहे थे। तो ये 300 में मिला, तो बहुत रीजनेबल दिखा हम लोगों को क्वालिटी के हिसाब से, तो इसीलिए ये लिए। डार्क ब्राउन शेड में है ये, क्वालिटी ओके है, एवरेज 300 के हिसाब से तो बहुत अच्छी है।
तो ब्राउन कलर में हम लोग को बहुत टाइम से लेना था ये, क्योंकि ये कलर बहुत सारे दूसरे आप कॉम्बिनेशन के साथ इजीली यूज़ कर। ये है कॉटन के पिलो कवर्स जो 100 के दो मिले, लास्ट टाइम हम लोग लिए थे वैसे ही ये और दो लिए, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है और अभी समर्स में बहुत अच्छे रहते तो इसीलिए और दो ख़रीदे हम लोग, और जिसको मना जानी मास समझ रहे हैं। मम्मी ने जानी मास समझ रहे इसको। तो ये एक बेडशीट लिए, सिंगल बेड बेडशीट है ये, कॉटन की प्योर कॉटन है जिसपे ये पोचमपाली टाइप का प्रिंट है, तो समर्स में ऐसे बेडशीट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती बिछाने ओढ़ने के लिए। तो ये 200 की एक मिली बेडशीट, और ऐसे बेडशीट्स का कलर भी नहीं जाता और श्रिंक भी नहीं होते। और ये और एक बेडशीट है जो 250 के लिए हम लोग, सिंगल बेड बेडशीट है ये, इसके साथ पिलो कवर नहीं है, ये जो दो भी दिखाई मैं इसके साथ पिलो कवर है नहीं, इसके साथ मैच करके अगर आपको लेना है तो अलग से ले सकते। इसका भी क्लॉथ बहुत अच्छा है, थिक कॉटन है, प्रिंट भी अच्छा लगा इसका। देन नेक्स्ट इज दिस डबल बेड बेडशीट, इसके साथ दो पिलो कवर्स है, ये साटन बेडशीट है, तो ये एक्चुअली गिफ्ट देने के लिए लिए हम लोग टू माय सिस्टर हु इज़ इन कनाडा, तो ऐसे टाइप की बेडशीट चाहिए थी उनको थिक कपड़े में वहाँ के वेदर के हिसाब से, क्योंकि कॉटन बेडशीट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं वहाँ पर ड्रायर में धोने से। वो अच्छा सा साइज़ है पिलो कवर्स का भी, बड़ा है और जिप है इसको। तो ये बेडशीट मिली हम लोग को 800 की, आप लोग जो भी ले रहे हैं बार्गेन ज़रूर करिए। नेक्स्ट चीज़ जो है जिसका मम्मी को बहुत टाइम से इंतज़ार था, तो ये है दीवान सेट और सोफ़ा कवर सेट, सेम पैटर्न और कलर का पूरा कंप्लीट सेट है। तो ये बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे लेकिन मिल रहा नहीं था, और ऑनलाइन देखे थे तो ये 3000 का कुछ था, लेकिन कलर्स भी जो चाह रहे थे वो नहीं मिल रहे थे। तो ये हम लोग को मिला 2200 में, 3000 बताए लोग लास्ट, 2200 में मिला। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट तो नहीं दिखा सकती अभी, 5 पिलो कवर्स इसके, सॉरी कुशन कवर्स और बूस्टर पिलो कवर है दीवान सेट के साथ, सोफ़ा कवर है और टेबल क्लॉथ भी है, कंप्लीट आपको ये ड्राइंग रूम सेट है। माय मॉम इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ फर्निशिंग स्टफ एंड किचन स्टफ, शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी। हियर कम्स अवर क्लॉथ शॉपिंग। तो हम लोग ये लखनवी स्टॉल से लिए लखनवी सेट्स, प्लाजो कुर्ता का सेट्स, ये 3 डिफरेंट कलर्स में, और सब अपने अपने साइज़ का और कलर जिसको जो पसंद आया वो लिए हम लोग। जो मलमल कॉटन फैब्रिक में है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत लाइट वेट का है, तो समर्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, तो अभी आप रमज़ान में कभी पहन सकते कोई फ्राइडे को या कुछ स्पेशल ओकेशन पे, समर्स के लिए तो बेस्ट है ये क्लॉथ, और लखनवी तो किसको नहीं पसंद। तो ये सेट्स का लोग 1800 बताए, तो हम लोग सारे एक ही स्टॉल से लिए, तो ज़्यादा सेट्स एक साथ एक ही स्टॉल से लिए, तो वो लोग हम लोग को लास्ट 1000 में दिए, तो ये ईच सेट पड़ा हम लोग को 1000 रुपीज़ का। इसके साथ में ली मैं ये बैंगल्स, ये लखनऊ ज्वेलरी नाम से एक स्टॉल दिखाई मैं वीडियो में, वहीं से ली। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे भी बैंगल्स थे वहाँ पे, लेकिन साइज़ नहीं मिलने से फिर ये थोड़ा सिमिलर कलर में और साइज़ में जो मेरे को मिला वो ली मैं। अगर आप लोग को भी शॉपिंग करना है रमज़ान के लिए, समर्स के लिए स्पेशली, तो जल्दी से एग्जीबिशन जाइए और अपनी शॉपिंग करिए। स्पेशली लखनऊ के ड्रेसेस तो बेस्ट है समर वेयर के लिए। तो ये सारे हम लोग जो भी लिए मलमल कॉटन फैब्रिक में लिए डिफरेंट कलर्स में, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, आप इसके साथ नॉर्मल कॉटन वाइट प्लेन दुपट्टा भी मैच करके पहन सकते हैं, या सेम कलर का भी ले सकते हैं, अगर कलर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं तो आपके आराम से वाइट दुपट्टा इस पर मैच हो जाएगा।
ये रहा मन्ना का ड्रेस विच इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई चाचा टू हर। तो ये छोटा सा फ्रॉक है नायरा कट टाइप में विद अ प्लाजो, जिसके नेक पर और प्लाजो के बॉटम पर लखनवी वर्क करा हुआ है। तो इसका प्राइस लोग 700 बताए थे, बार्गिन करने के बाद ये मिला 500 में। ये भी मलमल कॉटन में है। एंड नेक्स्ट इज दिस क्रोशेट फ्रॉक। तो ये हम लोग लिए वाइट कलर में। वाइट कलर थोड़ा सा बच्चों के लिए रिस्की है पहनाना क्योंकि ख़राब करते, लेकिन इसमें कलर इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये डाई करा हुआ कलर रहता तो उसको एक वॉश में उसका कलर चले जाता, दूसरे कपड़ों पे लग जाता और जो वाइट पार्ट है फ्रॉक का वहाँ पर लग जाता, तो इसलिए इसको कम्प्लीटली वाइट लिए। जिसके कॉर्नर्स पे ये फ्लावर डिटेलिंग है एंड विच इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी। ये फ्रॉक लिए हम लोग 300 में। ये एक और एक आइटम है जो चाइना बाज़ार से लिए हम लोग बैक इचिंग के लिए, स्टील और प्लास्टिक मटेरियल में है ये। तो मैं लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, इसका प्राइस नहीं बता सकी थी। तो ये 20 रुपीज़ का है। मैं लास्ट वीडियो में प्राइजेस के साथ नहीं डाली, एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच ऑफ व्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट रेस्पॉन्स। ये ब्लैक किशमिश लिए हम लोग कश्मीरी ड्राई फ्रूट स्टॉल से। तो ये हाफ़ के जी है, 300 में मिली। तो ये साहिब ड्राई फ्रूट्स करके नाम से स्टॉल है जो बहुत रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। ये झूलों के सेक्शन के साइड पर है ये स्टॉल। एंड इट्स अ स्मॉल क्यूट मोजरी फॉर माय अनदर नीस जो मिली 150 की। का भी प्राइस वो लोग कुछ 200 अराउंड बोले थे, तो उसको बारगेन करके 150 रुपीस में लिए हम लोग। और नेक्स्ट है ये फेक फ्लावर्स जो पेपर मटेरियल के है। मेरी वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, मैं एक फ्लावर की स्टॉल की वीडियो बताई, वहीं से लिए ये। तो ये एक स्टिक है 30 रुपीज़ की। तो ये कुछ हम लोग ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है गूद कश, ये भी चाइना बाज़ार की स्टॉल से लिए। ये नली में का गूद निकालने या पाए नहारी अगर आप बनाए तो ये गूद निकालने के लिए यूज़ में आता। तो ये एक मिली 40 रुपीज़ की। फ़िश एक्वेरियम जो है पिस्ता हाउस के पास, फ़िश एक्वेरियम के बाजू में ही एक चाइना बाज़ार का स्टॉल था, वहाँ से लिए। और ये है कोम क्लीनर, ये भी वही चाइना बाज़ार की स्टॉल से लिए। तो ये शायद 20 रुपीज़ का एक कुछ मिला हम लोगों को। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज़ कैसा करते। उतना कुछ खास यूज़फुल नहीं है ये प्रोडक्ट, इससे अच्छा आप लोग को ये टूथब्रश से भी क्लीन कर सकते। देन नेक्स्ट इज दिस कश्मीरी ड्रेस। तो ये अनस्टिच है ड्रेस मटेरियल है, 3-पीस सूट है पूरा, बॉटम शर्ट और दुपट्टे के साथ में। शर्ट पर पूरा ओवरऑल वर्क है और दुपट्टा भी कम्प्लीटली वर्कड है। तो ये फैब्रिक का नाम कुछ अजीब ही नाम बता रहे थे वो लोग, पश्मीना रहता यूजुअली और रेयन कॉटन में हाई क्वालिटी का रहता, लेकिन ये नाम कुछ डिफरेंट बताया इसका जो बहुत फ़नी नाम था, हम लोग हंस रहे थे सुन के। तो ये क्लॉथ थोड़ा थिक है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये ड्रेस मिला हम लोग को 1500 का, 2200 बताया इसका, 1500 लास्ट दिए वो लोग, और सिर्फ ये दुकान वाले ये क्लॉथ 15 में दिए, दूसरे तो इसका लास्ट 18 बताए थे सेम ड्रेस का। तो ये स्टॉल का नाम भी याद नहीं है मेरे को, और बहुत बीच में थी ये कश्मीरी स्टॉल्स के पास में, एकदम मेन लेन में नहीं थी ये। सॉफ्ट है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट आर दीज बैंगल्स, कुंदन और मिरर वर्क के बैंगल्स है ये। ये 200 में लिए हम लोग। और ये है राजस्थानी हैंडमेड बैंगल्स, ये दो डिफरेंट कलर्स में लिए। तो ये बैंगल्स पे छोटे छोटे मिरर्स और बीड्स लगे हुए हैं, ये कोई भी ड्रेस पे मैच कर सकते हैं या ऐसे ही पहन भी सकते हैं आप। तो ये बैंगल्स की खासियत है कि ये 2-in-1 है। इसके कॉर्नर्स आप देखें तो एक साइड से ग्रीन दिखते और दूसरे साइड से रेड दिखते, तो ये थोड़े डिफरेंट दिखे इसीलिए लिए हम लोग। और हैंडमेड है ये। तो ये इसके 200 बताए थे, बार्गेन करने के बाद 120 में दिए। और ये है सिल्वर बैंगल्स, मेटल मटेरियल में है ये। ये हम लोग को सेट मिला 100 का एक, जो मैं वीडियो में दिखाई थी हम लोग ऐसे घूमते घूमते एग्जीबिशन में,
बहुत बीच में थी ये स्टॉल, इसका स्टॉल नंबर भी नहीं पता और उस पर बोर्ड भी नहीं था कुछ। 50 और 100 के रेंज में थे सारे ये शॉप में। तो हम लोग दो कलर्स में लिए, ये गोल्डन एक, सिल्वर एक, ईच 100 रुपीज़। और ये है कुछ सौर कैंडीज और फटाफट, ये क्या है पता नहीं मेरे को, इसको ऑलरेडी खोल के खा लिए। कोला फ्लेवर कैंडी स्टिक्स पता नहीं, तो इसके प्राइसेस मेरे को नहीं मालूम। माय सिस्टर्स बॉट दिस। ये है ड्रीम केक, जो एग्जीबिशन से एक छोटी सी डेजर्ट स्टॉल थी वहाँ से लिए। तो ये फिश एक्वेरियम से थोड़ा स्ट्रेट जाने के बाद कुछ एक टावर बना हुआ है ना, उसके पास थी ये स्टॉल। इसका स्टॉल नंबर और नाम नहीं मालूम, हम लोग उतना नोटिस नहीं करे, बस ऐसे ही केक अच्छा दिखा तो लिए। घर पर आने के बाद ट्राई करे तो बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी। इसके ऊपर एक हार्ड चॉकलेट लेयर थी, फिर चॉकलेट मूस था, नीचे ब्राउनी केक की लेयर थी, बहुत टेस्टी दिखा। ये 170 का मिला हम लोग को। तो ये कुछ लेडीज़ सेल कर रहे थे ये, तो हम लोग ट्राई करने के लिए लिए थे, लेकिन वर्थ है ये लेना और ट्राई करना। प्राइस के हिसाब से टेस्ट एकदम प्रोफेशनल बेकरीज का टेस्ट जैसा रहता वैसा था। अगर आप लोग जा रहे हैं तो ट्राई करिए। इसका कार्ड भी नहीं, अगर कार्ड रहता तो एटलीस्ट मैं आप लोग को डिटेल शेयर करती थी। वेरी गुड मना, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मना। यार आई एम एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर हेल्पफुल लगी आपको तो शेयर करिए। अगर आप लोग कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछिए, आई एम देयर फॉर यू टू आंसर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इधर रखे करिए, नीचे नहीं गिराना। ओके, यहाँ रखिए प्लेट में। आया आ गया।